ठीक है सर, इसमें क्या है? ओके ओके। अरे शर्मा जी। जी। ये क्या? मेरे पिताजी कहते थे जिसका ग्लास खाली उसका जग खाली। हेलो सुनो, सर को ड्रिंक सर्व करो। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। या और बताओ कैसा चल रहा है? मानसी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये बताओ मानसी, आज तुम कितने साल की होगी? देखो मेरे पिताजी कहते थे कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी नहीं खुशी जाती। एंजॉय योरसेल्फ। अरे मानसी, अरे मैडम, केक काटना है या नहीं? कमाल के होस्ट हो तुम दोनों पति पत्नी, और ये अर्णव कहाँ है? एक्चुअली बस वो स्टडी रूम में कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं, उसे ख़त्म करते ही वो बस आते ही होंगे। एंजॉय योरसेल्फ। गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। अर्णव, पलटाओ इसे। माय गॉड, अभिषेक बिल्कुल करीब से चेहरे पे गोली चलाई है। इसका चेहरा तो बिल्कुल बिगड़ गया है। सर, किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, साइलेंसर लगा के फायर किया गया है। देखो हमें भी बहुत दुख है तुम्हारे पति की मौत का, लेकिन अगर खूनी तक पहुंचना है तो हमें तुम्हें कुछ सवाल पूछने होंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम जवाब दे पाओगी? जी सर। अच्छा मानसी बताओ, कौन कर सकता है ये? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, यहाँ तो सब अपने। अच्छा क्या अर्णव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा जब सब लोग हॉल में थे तो अर्णव यहाँ क्या कर रहे थे? वो मेरे साथ पार्टी में बाहर ही थे, पर अचानक उन्हें कुछ काम याद आ गया और वो यहाँ आ गए। क्या अर्णव इस कमरे में अकेले ही आया था या उसके साथ कोई और भी था, या फिर कोई अर्णव से पहले या अर्णव के बाद में कोई इस कमरे में आया था, कुछ मालूम है तुम्हें? वो तो अकेले ही आए थे, बस मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते ही आ गई और मैंने अचानक देखा कि सर। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, जूतों की निशान यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब खून इस खिड़की से अंदर आया है। हाँ, यहीं से आया है, लेकिन अगर यहाँ से आया है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने तो देखा होगा उसे। फ्रेडी, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। यस सर। वॉचमैन, thank you.
अच्छा तिजोरी खुली हुई है, चाबी लगी हुई है, अंदर कुछ कैश नहीं है और अंदर सिर्फ ये कपड़े जैसी कोई चीज है। क्या है ये? अरे ये तो पेंटिंग है अभिजीत, ये देखो फटी हुई पेंटिंग। बड़ी अजीब बात है, तिजोरी खाली और उसमें सिर्फ एक फटी हुई पेंटिंग। चक्कर क्या है? मानसी एक बात बताओ, क्या तुम लोग अपनी तिजोरी में कुछ रखते नहीं थे क्या? नहीं सर, तिजोरी में तो हमेशा पैसे रहते हैं और चाबी भी अर्णव के पास रहती थी। ये खून पैसों के लिए तो नहीं किया है? हो सकता है। अच्छा इस पेंटिंग को देखो, क्या तुम इस पेंटिंग को पहचानती हो? नहीं सर, पर इस तरह की पेंटिंग खरीदना और बेचना अर्णव का बिजनेस था। अर्णव का बिजनेस था पेंटिंग्स खरीदना और बेचना? तो फिर ये पेंटिंग फटी हुई क्यों है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता सर। सर ये मोबाइल बाहर पड़ा हुआ था। सर ये फोन तो अर्णव का है। अर्णव का? देखो सर। सलाम साहब। बताओ क्या पार्टी में से किसी को भागते जाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं तो सारा दिन गेट पे ही था। अच्छा कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का? नहीं साहब, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। ठीक है जाओ। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इसका मतलब है ये खूनी यहाँ से भागा नहीं है, बंगले के अंदर ही है, मेहमानों में घुल मिल गया है। बाहर जाओ और एक एक मेहमान की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इस फोन से आखिरी कॉल किसी तन्मय को किया गया था, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। तन्मय? यस सर, मोबाइल कंपनी वालों को बोल दिया डिटेल्स निकालने के लिए। मानसी एक बात बताओ, क्या तुम किसी तन्मय को जानती हो? नहीं सर, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा क्या पार्टी में से कोई बीच में बाहर गया था या कोई बाहर जाके वापस आया, कुछ मालूम है तुम्हें? सर बाकी सब तो यही थे पर प्रमोद। प्रमोद? सर प्रमोद पार्टी के बीच से गायब हुआ था। सर सर किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। सर किसी के पास कुछ भी नहीं मिला? ठीक है काम करो फ्रेडी, जूते के निशान उठाओ। तुम में से प्रमोद कौन है? सर यस सर। तुम प्रमोद हो? सर पार्टी छोड़कर बाहर गए थे कहीं? हाँ। कहाँ गए? सर पार्टी के दौरान तो मैं यहीं था, बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था सर। वॉशरूम? दो दिन पहले अर्णव के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो झगड़ा नहीं था सर, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी बहस हुई थी, इतना सीरियस भी नहीं था सर। सर ये कैटरिंग वाले, इन्होंने किसी आदमी को भागते हुए देखा। अच्छा कौन था वो आदमी, दिखने में कैसा था? सर मैं ध्यान से देख नहीं पाया था, अंधेरा काफी था, बट चेहरे पे गॉगल्स लगाया हुआ था, टोपी पहना हुआ था एंड करीबन इतना इतना लंबा होगा, मुझसे थोड़ा सा लंबा। अभिजीत चलो इतनी छानबीन करने के बाद कुछ तो हाथ लगा। काम करो फ्रेडी, इसे लेकर जाओ और इसे स्केच बनवाओ और फिर वो तिजोरी की चाबी, वो पेंटिंग, जूते के निशान और जगह जगह से उठाए गए उंगलियों के निशान सब के सब जल्दी से जल्दी फोरेंसिक लैब भेज दो, भूखा बैठा है उधर साड़ून के। सबको एक दिन मिट्टी में मिलकर के ऊपर ही जाना है सालू खे, इसलिए मिट्टी चेक कर। ऊपर पापी लोगों को जगह नहीं है साण के, तू यहीं पे बता दे। अबे चिढ़ता क्यों है?
तू पापी नहीं है। आ जा, जल्दी से बता दे क्या मिला है तुझे। अर्नब के कमरे में पाए गए फुटप्रिंट में से जो आप मिट्टी उठा करके लाए हैं, उस मिट्टी में से मुझे चार चीजें मिली। चार चीजें? कौन सी? घास फूस, डाबर, ईंट का चूरा और चौक। और इस मिट्टी का केमिकल एनालिसिस तारिका कर रही है, अगर कोई केमिकल होगा तो पता चल जाएगा। डाबर, घास फूस, ईंट का चूरा और चौक। अगर चौक है तो मैं बता सकता हूँ कि खूनी कहाँ से आया होगा। कहाँ से? स्कूल से आया होगा। मेरे टीचर चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए करते थे सर। रेडी? अरे अभी तो स्कूल से बाहर निकलो, दिमाग खराब कर देते हो। डाबर, घास फूस, ईंट का चूरा और चौक, ये चारों चीजें एक साथ कहां पर मिल सकती है? सर बारिश की वजह से इन दिनों घास फूस तो हर जगह उगी हुई है। हाँ विनीत, मगर सिर्फ घास फूस ही नहीं ना, डाबर, ईंट का चूरा और चौक और घास फूस, यार ये चारों चीजें एक साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल सकती है या फिर किसी फैक्ट्री में। और फैक्ट्री भी ऐसी जो बंद पड़ी है। हाँ बंद फैक्ट्री। सर विसोला इलाके में काफी सारी बंद फैक्ट्रीज हैं। विसोला तो बहुत बड़ा इलाका है सर, तो वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री में जाना है? वो फैक्ट्री जिसमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल? हाँ, इस मिट्टी में मुझे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स भी मिले। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल? सर उनका ग्लिसरॉल तो प्रिजर्वेटिव है, खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेफर चिप्स है, चॉकलेट्स है। चॉकलेट्स? चॉकलेट्स और विसोला? विसोला में चॉकलेट्स की फैक्ट्रीज हैं? यस सर, उनमें से चार पांच फैक्ट्रीज बंद भी पड़ी। सचिन, विसोला जा और पता लगा। और इस तन्मय के बारे में क्या पता चला? सर उसका मोबाइल अभी बंद ही है। तन्मय को क्या लगता है मोबाइल बंद रखने से सीआईडी वालों को पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर है? उसके घर परिवार दोस्तों से पता लगाओ उसके बारे में। पूरी कुंडली निकालो इस तन्मय की, पूरी कुंडली। यस सर। और वो फटी हुई पेंटिंग किसी आर्ट एक्सपर्ट को दिखा, हो ना हो ये पेंटिंग ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। अरे ये तो बड़ी मशहूर पेंटिंग है, रवि ने बनाई थी, नाम सुना है रवि का? सॉरी नहीं। बहुत मशहूर पेंटर था वो, करीब करीब 30 साल पहले बनाई थी उसने। आपको कहां से मिली है? जिस आदमी का खून हुआ उसके घर पर मिली। अच्छा ये बताओ कि आज की डेट में इस पेंटिंग की कीमत क्या होगी? आज की डेट में करीब करीब 50 लाख तो होगी ही होगी। 50 लाख? हाँ। किसका खून हुआ है? अर्नब नाम का एक आर्ट कलेक्टर था, उसी के घर से ये मिली। यही पेंटिंग्स वगैरह बेचने का बिजनेस था उसका। अरे पेंटिंग बेचने खरीदने वाले को तो करीब करीब सबको ही मैं जानता हूँ, लेकिन ये अर्नब नाम का तो कभी मैंने सुना ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब इस तरह की इतनी महंगी पेंटिंग बेची या खरीदी जाती है तो सबको पता चल जाता होगा। हाँ ऑफ कोर्स। तो आप बता सकते हैं कि आखिरी बार ये पेंटिंग किसने खरीदी थी? ये पेंटिंग मेरा ख्याल है कोई नरेंद्र नाम के आदमी को बेची थी, बहुत पैसे वाला है, लंदन में रहता है। तो फिर ये पेंटिंग यहाँ इंडिया में कैसे आई? यही तो मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि ये पेंटिंग इंडिया में और वो भी अर्नब नाम के आदमी के घर में कैसे आई। हो सकता है अर्नब ने ये पेंटिंग चुरा ली। चुराने का कोई फायदा नहीं, ये पेंटिंग तो नकली है। नकली पेंटिंग? मतलब अर्नब नकली पेंटिंग्स बेचता था? हाँ सर, जरूर उसने किसी को ये नकली पेंटिंग बेची होगी और बदला लेने के चक्कर में उसने अर्नब का खून कर दिया। हाँ विनीत, सबसे पहले ये पता करना होगा कि अर्नब ने ये नकली पेंटिंग बेची किसको थी। सचिन, पिछले चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक क्या नाम है उसका? मिस्टर राघव सर। सर ये राघव के बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया, सारी जानकारी मिल गई है सर। सर ये राघव का कोई भी कनेक्शन नहीं है अर्नब से। इस एरिया में आखिरी चॉकलेट की फैक्ट्री है, देखे यहाँ क्या पता चलता है। अरे हम लोग CID से। अजय, इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? साहब ये फैक्ट्री अब कहाँ रही, ये तो बंद हो गई है। फिर भी कोई तो मालिक होगा ना इस जगह का,
हाँ साहब, वो गगन जी हैं। उस दिन पार्टी में गगन नाम का कोई भी मेहमान नहीं था। इस गगन के साथ कोई और पार्टनर है यहाँ? हाँ साहब है ना, वो प्रमोद सेठ हैं और कभी कभार आते भी हैं। ये प्रमोद था सर। अच्छा। हाँ सर, जब अर्णव की मौत हुई तब प्रमोद हॉल में नहीं था, गायब था। और कुछ दिनों पहले इस प्रमोद की अर्णव के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इस प्रमोद से मिलना पड़ेगा। प्रमोद, सीआईडी आपसे मिलने आई है। हमें आपसे कुछ पूछना है। देखिए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। आप लोग बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? सीआईडी किसी को परेशान नहीं करती, परेशानी का हल निकालती है। जो कुछ आपसे पूछा जाए चुपचाप सीधे सीधे उसके जवाब दीजिए मिस्टर प्रमोद, समझे? पूछिए। फ्रेडी, घर की तलाशी लो। ओके। एक मिनट, मैंने आपसे कहा हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए, वरना आप वाकई परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे प्रमोद जी, आप कह रहे थे कि आप पहले वॉशरूम में गए, उसके बाद वहां से चलकर हॉल में आए जहां पे पार्टी चल रही थी। मतलब आप स्टडी रूम में गए ही नहीं, है ना? नहीं। पक्का? पक्का। तो फिर आपके फुटप्रिंट्स स्टडी रूम में कैसे पाए गए? फुटप्रिंट्स? हाँ, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान स्टडी रूम में कैसे? सर, कमरे में से ये गन और ब्रीफकेस मिली, और ब्रीफकेस में से पैसे। क्या कहना मिस्टर प्रमोद, क्या ये सब? सर, मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, मैं वॉशरूम का बहाना करके अर्णव के स्टडी रूम तक गया था सर। मतलब आपको पहले से ही पता था कि अर्णव स्टडी रूम में? नहीं सर, मैं जब हॉल की तरफ जा रहा था तो खिड़की में मैंने अर्णव को देखा। और उसी खिड़की से तुम अंदर घुसे, उसे गोली मार दी और फिर चुपचाप वहां से बाहर निकल गए, क्यों? नहीं सर, मैंने अर्णव को नहीं मारा सर। तो फिर क्या करने गए थे उसके कमरे में तुम? मैं तो ये पूछने गया था सर कि मुझे उसने नकली पेंटिंग क्यों बेची। तो उसने क्या कहा? जवाब ही नहीं था सर उसके पास, फ्रॉड कहीं का। उसके बाद मैंने उससे अपने पैसे मांग लिए सर। और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, है ना? हाँ सर, मैंने उससे धमकाया, पुलिस में जाने की बात की, कोर्ट में केस करने की बात कही, तब जाकर सर वो ढीला पड़ा। फिर उसने मुझे पैसे दिए और मैंने पेंटिंग वहीं फाड़कर फेंक दिया सर, ताकि वो किसी और को धोखा ना दे सके। और फिर उसी खिड़की से तुम बाहर आए, बैग को जाके गाड़ी में रखा और पार्टी में आके शामिल हो गए। हाँ सर, मैंने अर्णव को नहीं मारा सर, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं अर्णव को क्यों मारूंगा सर? अर्णव ने किसी और के साथ भी ऐसा ही फ्रॉड किया था? हाँ सर, फ्रॉड किया होगा, वो तो फ्रॉड ही था। और हाँ, जब मैं अर्णव के स्टडी रूम में घुस रहा था तो मैंने उसको फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। तुम जानती नहीं हो मैं कौन, मैं चाहूं तो तुम्हें किसी भी वक्त बर्बाद कर सकता हूं। इसे भला इसी में है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, समझी तुम? तुम्हारी कही हुई बात सच निकली तो तुम बच भी सकते हो, अगर झूठ है तो तुम्हें सीआईडी से कोई नहीं बचा सकता। सचिन, रिवॉल्वर को बैलिस्टिक में भेज दो। सर। अविनी, क्या रिपोर्ट है बैलिस्टिक का? सर, अर्णव को जो गोली लगी है वो प्रमोद की गन से नहीं चली। अच्छा। सर, हो सकता है खूनी कोई और हो जो प्रमोद के कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर गया, उसने अर्णव को मारा और फिर पार्टी में शामिल हो गया। पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनकी सारी डिटेल्स तो मंगवाए हैं ना? यस सर। सर, किसी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय तन्मय के। ये तन्मय खटक रहा है मुझे। इस तन्मय के मोबाइल फोन से उसके घर का पता चला? हाँ सर, मोबाइल कंपनी ने जो एड्रेस दिया था हम वहाँ गए भी थे, लेकिन वहाँ तन्मय नाम का कोई आदमी नहीं रहता। गलत है, चालाकी कर रहा है वो। केटिंग वाला लड़का भी कह रहा था ना कि उसने किसी को वहां से भागते हुए देखा। सर, कहीं आदमी तन्मय तो नहीं? ये तन्मय ही है, तन्मय ही है। वो ऐसे होगा कि जिस तरह से अर्णव ने प्रमोद को नकली पेंटिंग बेचकर फंसा दिया, उसी तरह से उसने तन्मय को भी नकली पेंटिंग बेचा। लेकिन जब प्रमोद को पता चला तो प्रमोद ने अपने पैसे उससे वापस लिए, लेकिन जब तन्मय अर्णव से पैसे वापस लेने गया तब अर्णव के पास पैसे ही नहीं थे। बस गुस्से में आकर तन्मय ने अर्णव को गोली मार दी। हाँ सर, उसका तो धंधा ही था सबको फंसाने का। और सर, ये प्रमोद कह रहा था कि जब वो अर्णव के कमरे में घुस रहा था तो उसने अर्णव को किसी से फोन पे झगड़ते हुए सुना। झगड़ते हुए? किसके साथ? सर, वो एक लड़की है, उसका नाम शीला है, उसका एड्रेस है हमारे पास। शीला? अच्छा, तो शीला से जाकर मिलो
और उससे अच्छी तरह से पूछताछ करो, अच्छी तरह से। ये शीला ही हमें बताएगी कि ये तन्मय है कौन। शीला, 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 सब सर ये तो मर चुकी है। सर ये देखिए गोली लगी है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये शीला अर्णव को ब्लैकमेल कर रही थी। अब ना अर्णव रहा ना शीला, दोनों ही मर चुके हैं। इसका मतलब कोई तो है जो अर्णव और शीला दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और वो जो कोई भी है रजत, शीला उसे अच्छी तरीके से जानती थी। ये देखा, दोनों कप में चाय है, मतलब वो दोनों यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। फिर किसी वजह से शीला किचन की तरफ गई होगी तो उस आदमी ने पीछे से गोली मार दी। चेक करो घर को अच्छी तरीके से। सर कमरे में से ये मोबाइल मिला है। अच्छा कॉल लिस्ट चेक करो। सर काम नहीं कर रहा डेटे। सर ये डिवोर्स पेपर्स देखिए, शीला किसी गौरव की पत्नी थी। इन पेपर्स पे कोर्ट की मोहर नहीं लगी है, मतलब डिवोर्स प्रोसीडिंग अभी चल रही है, डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। गौरव, कहीं शीला की मौत में इस गौरव का तो हाथ नहीं? मिस्टर गौरव, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी कहिए। कहेंगे आप पूछेंगे। सचिन रेडी, घर की तलाशी लो। बट मैंने किया क्या है? अपनी पत्नी का खून। क्या? आपको लगता है कि शीला का खून मैंने किया है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा समय बर्बाद होने की चिंता आप मत कीजिए, आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए आप उसकी चिंता कीजिए। हमारे बीच झगड़े होते रहते थे और छोटे बड़े झगड़े तो हमेशा मियां बीवी के बीच चलते रहते हैं। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े झगड़े होते तो तुम दोनों के बीच में, तभी तो डिवोर्स लेने वाले थे। जी क्या मैं डिवोर्स का कारण जान सकता हूँ? उसका कारण ये है, ये देखिए सर। डियर शीला फ्रॉम सुमित, लव लेटर्स, लव कार्ड्स, ये सब क्या है गौरव जी? शीला का किसी और से अफेयर था, वो किसी और से प्यार करती थी। पर हर पति को जिस तरह नाराजगी होती है तुम्हें भी हुई, बल्कि तुम्हें नाराजगी नहीं हुई, तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुमने शीला का खून कर दिया। ये बात सच नहीं, शुरू शुरू में मुझे नाराजगी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि जब हमारी बनती नहीं तो साथ रहकर क्या फायदा। तो फिर ये कार्ड्स और लेटर्स कहाँ से आए? ये उस वक्त के हैं जब शीला का न्यू अफेयर हुआ था, तब वो यहीं रहती थी। कल रात कहाँ थे? कोलकाता, अभी दो घंटे पहले की फ्लाइट से वापस आया हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा बोर्डिंग पास और टिकट चेक कर सकते हैं। हम बाद में देख लेंगे। पहले ये बताइए कि क्या आप जानते थे कि आपकी पत्नी शीला अर्णव को जानती थी? अर्णव, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा ये सुमित, इसका नाम तो सुना होगा, क्या जानते आप इसके बारे में? सच कहूँ सुमित कौन था, कहाँ से आया, क्या करता था, मुझे कुछ नहीं पता। एक बात मैंने उसकी नोटिस की थी, वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी था। वो कैसे? सर शीला से हमेशा झूठे झूठे वादे करता था कि हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, अमेरिका में मेरा बिजनेस है, ये वो वगैरह वगैरह, बट मुझे कभी यकीन नहीं होता था। अमेरिका तो छोड़िए सर, उसके पास तो अमृतसर तक जाने के पैसे नहीं होते थे, वो तो शीला से हमेशा पैसे उधार लेता था। सुमित सच बोल रहा है या फिर ये गौरव, ये तो सुमित से पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा।
मजा नहीं किया। काम करो तोड़ दो। मुझे सुमित, हम सीआईडी से, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। मैं सुमित नहीं हूँ, मैं संजय हूँ, सुमित का रूममेट। सुमित से मिल सकते हैं? होता तो मिलवा देता। मतलब? मैडम वो एक घंटा पहले अपना सामान लेकर यहाँ से चला गया, तो कैसे मिलूं? सचिन शेर, तलाशी लो। हैं, तलाशी क्यों? ए, चुपचाप खड़े रहो। इधर आ। सुमित किधर गया तुम्हें पता? मैं सुमित का रूममेट हूँ, गार्डियन नहीं, मुझे बता के नहीं गया। उसने कभी शीला नाम की लड़की के बारे में तुम्हें बताया? उसका फेयर चल रहा है शीला के साथ, बट एक्चुअली उसे शीला में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी दौलत में इंटरेस्ट। तो सर कोई फोटो दिखा? सॉरी, नो फोटोस। सुमित घर में नहीं, लगता सारा सामान लेके निकल गया। सुमित दिखता कैसा, उसका हुलिया बता। सुमित एवरेज हाइट, मोस्टली वो क्लीन शेवन रहता है, अच्छे बच्चे की तरह। उसके छोटे छोटे ब्राउन बाल हैं और गले पर एक गहरा निशान है। वैसे सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शीला को जो गोली मारी गई है वो 0.35 कैलिबर की है। क्या? शीला को 0.35 कैलिबर की गोली मारी गई? शीला को 0.35 कैलिबर की गोली और अर्नब को 0.45 कैलिबर की? तो क्या इन दोनों के खून दो अलग अलग गन से हुए हैं? सर हो सकता है दोनों के कातिल ही अलग अलग हो। रजत ये भी तो हो सकता है कि कातिल एक और गन्स अलग अलग हो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक तरफ अर्नब शीला को धमका रहा है कि वो उसे कंफ्यूज। रेडी, एक मिनट जरा सोच ले दो। शीला के टेलीफोन की डिटेल जांचिए। हाँ सर, आखिर में शीला ने सुमित से बात की थी, पर सर चौंका देने वाली बात यह है कि सुमित का नंबर और तन्मय का नंबर एक ही है। तो सुमित और तन्मय एक ही आदमी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्नब के घर पे केटरर ने जो तन्मय का हुलिया बताया था और सुमित के दोस्त ने जो सुमित का हुलिया बताया था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये अर्नब और शीला के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? सवाल तो बहुत है विनीत, लेकिन इसका जवाब वो तन्मय ही दे सकता है। तन्मय। सर एक और बात, पिछले 24 घंटों में शीला को 15 कॉल किए गए विजय नाम के किसी आदमी ने। पिछले 24 घंटों में शीला को 15 कॉल्स किए किसी विजय नाम के आदमी ने? तो फिर इस विजय का पता लगा, उठा उसे। हो सकता है ये तन्मय का तीसरा रूप हो। सर ये विजय तो हाईवे की तरफ भाग रहा है, लगता है इस शहर से भागने की तैयारी में है। तो हम भी उधर ही चलते हैं। एक बार वो शहर से बाहर भाग गया तो उसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। सर मुझे लगता है कि ये विजय और तन्मय एक ही आदमी है और दूसरे फोन से ऑपरेट कर रहा है। एसीपी साहब भी यही कह रहे हैं, ये आदमी भेस बदलने में माहिर है, अपना मर्डर वेपन अपनी गन भी बदलते रहता है, तो एक फोन नंबर बदलना उसके लिए कौन सा मुश्किल है। सर ये विजय रुक गया। कहाँ पे? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर। अभी देखता हूँ उसे। हो रही गाड़ी। चाबी अंदर ही लटकी हुई, कोई आदमी नहीं। अरे उधर कोई गिरा हुआ है। तो
तो गोली लगी है सर। अभी अभी किसने गोली मारी? सर तो जिंदा है। पहले इसको हॉस्पिटल पहुंचाते। कहीं ये विजय तो नहीं? जी। अच्छा? जी थैंक यू। सर विजय की हालत बहुत खराब है, उसके बचने की उम्मीद कम है। भगवान करे बेचारा बच जाए। अच्छा फोरेंसिक रिपोर्ट आ गया? आ गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। बॉस ये है वो गोली जिससे विजय को मारा गया। 0.22 कैलिबर की। पहले 0.45, उसके बाद में 0.35 और अब 0.22 कैलिबर की गोली। मतलब इस आदमी के पास हर तरह के गन्स हैं। और वो अलग अलग मेकअप करके भी घूमता है सर। हर आदमी ऐसा मेकअप नहीं कर सकता जब तक उसे मेकअप के बारे में जानकारी ना हो। सर हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, स्टेज पे काम करता हो, या फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट। बस मुझे एक बात और पता चली। तो इतनी देर से चुप क्यों बैठा सर? अरे यार थोड़ा नम्रता से काम लेना चाहिए अगर कोई मदद करे तो। हमेशा घोड़े पर सवार रहना ठीक नहीं है। अच्छा तू बता, जल्दी बता। चल विजय के कपड़ों पर से मुझे एक बाल मिला है जो विजय का नहीं। खूनी का होगा? डीएनए किया बाल का? नहीं यार। तो फिर फटाफट कर सर, हमारे पास वक्त नहीं है। और हमारे रिकॉर्ड में भी मैच करके देखो। ओके ओके। रजत ये विजय और शीला, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है। एक ये फोन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। हाँ लेकिन विजय और शीला के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। सर हाँ सर, विजय के बारे में काफी कुछ पता चल गया। क्या पता चला? वो ब्राज एसोसिएट्स में काम करता था और वहां के मालिक का नाम दीपक है। ब्राज एसोसिएट्स, मालिक का नाम दीपक? व्हाट? गोली मार दी? वो मर गया? मरा नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में। मुझे मालूम है ये सब कौन कर सकता है। कौन? तन्मय। तन्मय? ये तन्मय आपके यहाँ काम करता है ना? हमारे यहाँ कहाँ सा, भाग गया यहाँ से। मेरा पार्टनर हुआ करता था, मुझसे चीटिंग करके मेरे ही पैसे खा गया। तन्मय ने पैसे आपके खाए, ये विजय कहाँ से बीच में आ गया? उसकी क्या दुश्मनी थी तन्मय से? सर मैंने विजय को तन्मय के पीछे लगाया था पैसों की वसूली करने के लिए। अच्छा ये बताइए, विजय शीला को कैसे जानता था? सर इसी बीच उसने अपना नाम बदलकर तन्मय से सुमित कर लिया और विजय को पता चल गया कि शीला से उसका अफेयर चल रहा है। बस तब से उसे जानता होगा सर। सच सच बताइए दीपक जी, बात क्या है? सर विजय ने शीला को फोन करके बताया कि ये सुमित सुमित नहीं, असल में तन्मय है। तन्मय दिखता कैसा है? मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ सर। ये रहा सर। ये तन्मय है। इसी पी सर को फौरन इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तन्मय की फोटो तो हमारे हाथ लगी, लेकिन उसके बारे में और कोई जानकारी मिली? नहीं सर, अब तक कोई जानकारी नहीं। सर हाँ ये देखिए, उस बहरूपी तन्मय का एक और रूप। सर ये तो सुमित के रूममेट संजय की तरह दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये कोई सुमित का रूममेट संजय नहीं, ये तन्मय है। तन्मय नहीं, एक काम करो, इसका स्किन कलर थोड़ा डार्क करो। अब इसके बाल ठीक करो, इसके स्पाइक्स हटा दो। इसकी आईब्रोज थोड़ी मोटी। अब इसको एक मूंछ दे दो। ये देखिए सर, अब ये हूबहू अर्नब की पार्टी की केटरिंग वाला लग रहा। हाँ तो इसका मतलब जब पार्टी में मर्डर हुआ उस वक्त तन्मय पार्टी में मौजूद था। हाँ पार्टी में ही था। केटरिंग वाला बनकर उसने हमें तब भी गुमराह किया, ये कहकर कि उसने किसी को भागते हुए देखा है। सर शीला को मारने की तन्मय के पास ठोस वजह थी, लेकिन उसने अर्नब को क्यों मारा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है? विनित जरा अर्नब की फोटो निकालो। दिखाओ जरा। अब तन्मय की फोटो उसके बाजू में ही लगा। अब सब लोग ध्यान से देखो इन दोनों फोटो को, देखो क्या दिखता है। ये क्या सर, तन्मय अर्नब की तरह दिख रहा है।
एग्जैक्टली फ्री दिख नहीं रहा है बल्कि एक ही है वो, एक ही अर्नव। मतलब अर्नव ने खुद को ही मार दिया? नहीं फ्रेडी, अर्नव ने खुद को नहीं मारा। जरा सोचो, विजय के कपड़ों पर से जो बाल मिला उसकी डीएनए रिपोर्ट और अर्नव की डीएनए रिपोर्ट काफी मिलती जुलती है। इसका एक ही मतलब है कि विजय का खून अर्नव के किसी रिश्तेदार में से ही किसी ने किया है। रजत एक काम करो, इस ब्रज एसोसिएट्स के मालिक दीपक को फोन करो और उससे पूछो कि क्या तन्मय के किसी रिश्तेदार को जानता है क्या, या उसके बारे में कुछ जानता है क्या। यस सर। अब समझ में आया उस आदमी के चेहरे पर इतने करीब से गोली क्यों मारी, उसका चेहरा तहस नहस क्यों किया? वो इसलिए कि कोई उसे पहचान न सके। सर, दीपक का कहना है कि तन्मय का एक चचेरा भाई है राहुल, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, वही कद, वही नाक नक्शा। ओह, अब आया सारा खेल समझ में। राहुल तन्मय की तरह दिखता है तो तन्मय ने राहुल को अर्नब बना दिया और उसे मार डाला ताकि लोगों को लगे कि अर्नब मर गया है, और अब खुद तन्मय राहुल बनकर आजाद घूम रहा है। अच्छा, ये दीपक राहुल का पता जानता है? यस सर, वो राहुल का पता जानता है क्योंकि एक साल पहले राहुल उसी के ऑफिस में नौकरी करता था। बस फिर देर किस बात की, उठाओ इस अर्नब उर्फ तन्मय को और पहना दो हथकड़ियां। जी, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। आप मिस्टर तन्मय? जी नहीं, मैं तो राहुल हूँ। अच्छा, एक्चुअली हमें तन्मय से मिलना है, जरा बुलाइए उसे। तन्मय यहाँ नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, इस वक्त तन्मय यहीं पे है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आप घर की तलाशी ले सकते। अच्छा, कह रहे हैं तो तलाशी ले लो, इन्फॉर्मेशन तो यही हमारे पास। लेकिन तन्मय ने किया क्या? दरअसल उसने दो लोगों का खून और एक आदमी पर जानलेवा हमला किया। अरे अरे, घर का चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन तन्मय नहीं मिला? नहीं सर, कहीं नहीं मिला। माफ कीजिएगा, शायद इन्फॉर्मेशन गलत थी, आपको परेशान किया, वेरी सॉरी। ओके, चलो भाई। लगते तो यही है। हाँ सर, बुरा मत मानिएगा, आप कहीं आप ही तन्मय तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी शक्ल तन्मय से काफी मिलती जुलती है। वो एक्चुअली हम लोग कजन है ना, तो अच्छा, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये लीजिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लीजिए, या मेरा पैन कार्ड या पासपोर्ट, आप चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपकी शक्ल बिल्कुल मिल रही थी, इसलिए सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वेरी सॉरी। हां, इट्स ओके। हमें पक्की खबर मिली है कि तन्मय यहीं पर ही है। ढूंढते रह जाओगे सबके सब, क्योंकि राहुल को तो मैं मार चुका हूं, और सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हॉस्पिटल डिटेल्स, अब मेरे हो चुके हैं। तन्मय अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रूप बदलने में मैं माहिर हूं, और सीआईडी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से रूप में कब था। मैं हूं कौन मैन, और सीआईडी यही सोचती रह जाएगी कि वो कौन सा मैन था। मिस्टर कौन मैन, वो मैन कौन था हमने पता लगा लिया है। तन्मय जी उर्फ अर्नव, उर्फ राहुल, उर्फ संजय, उर्फ सुमित, उर्फ कैटरिंग वाले। ए! Huh?
बहुत भारी है। तन्मय से अर्नब क्यों बने तुम? दौलत के लिए, मेरे मानसी की करोड़ों की दौलत के लिए अर्नब बनकर उससे शादी की। और सुमित, सुमित क्यों बने तुम? मैं सुमित बनकर शीला की जिंदगी में आया, उसे प्यार का झूठा नाटक किया, क्योंकि मैं जानता था कि उससे डिवोर्स के बाद अपने पति से ढेर सारी दौलत मिलने वाली है। लेकिन जब तुम्हारे एक्स बिजनेस पार्टनर मिस्टर दीपक ने तुम्हारी पोल खोलने के लिए विजय को तुम्हारे पीछे लगाया, तब तुम्हें खतरा महसूस हुआ। हाँ, विजय को पता लग गया था कि मैं ही अर्नब हूं। उसने शीला को फोन करके मेरी धोरी जिंदगी के बारे में बताया। अर्नब का मरना अभी जरूरी था और मैंने खुद अपनी ही मौत का प्लान बनाया। और उसके लिए तुमने अपने भाई राहुल को बलि का बकरा बनाया, जो हूबहू तुम्हारी तरह दिखता था। उसकी लाश को अर्नब बना के वहां रख दिया। हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और बड़ी ही चालाकी से केटरिंग वाले बनकर उस पार्टी से भाग गए। और सुमित का रूममेट संजय बनकर तुमने हमें फिर से झांसा दिया। हाँ, मुजरिम चाहे कितने ही भेष बदल ले, कानून उसके चेहरे से नकाब उतार ही लेता है। दौलत के लालच में तुम खून पे खून करते गए, अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, तुम्हें तो फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।